यजुर्वेद का 33वां अध्याय हमारा चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 54 के ऊपर विचार किया था और उसमें 54 नहीं मंत्र संख्या 55 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में मनुष्यों को क्या करने के लिए कहा है वो बताया है। मनुष्य यदि आध्यात्मिक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको एक तो विषयों की आसक्ति से पृथक होना पड़ेगा, धन के लोभ से पृथक होना पड़ेगा और किसी विद्वान के पास जाना पड़ेगा। विद्वान के पास जाकर जितेंद्रिय होते हुए उन्हें पूर्ण विद्या प्राप्त करनी पड़ेगी और उस पूर्ण विद्या के अनुकूल अपनी बुद्धि को भी बनाना पड़ेगा। ऐसी उत्तम बुद्धि उनको प्राप्त करनी चाहिए और जो इस प्रकार से पूर्ण विद्या और उत्तम बुद्धि से युक्त होता है वो समग्र धनों को प्राप्त करता है। वो बाहर के भौतिक धनों को भी प्राप्त करेगा, कोई उसको धन की कमी नहीं रहेगी और आध्यात्मिक धन भी प्राप्त करेगा। कौन? जो जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय होकर विद्वान का सेवन करके पूर्ण विद्याएं प्राप्त करता है, उस विद्या के अनुकूल अपनी बुद्धि को बनाता है। आज मंत्र संख्या 56 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है इंद्र वायु इमे सुता उपप्रयोभि आगतम इंदवो वाम उशंति ही। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अब विद्वान लोग क्या करें, तो इसके भावार्थ में हमें उत्तर मिलेगा। भावार्थ में दिया है हे विद्वानों, जिस कारण तुम लोग हमारे ऊपर कृपा करते हो। सामान्य मनुष्य कह रहे हैं विद्वानों को कि जिस कारण आप हमारे ऊपर कृपा करते हो, हमें बढ़िया बढ़िया उत्तम उत्तम विद्याएं ज्ञान विज्ञान देते हो जिससे हमारे दुख रोग कष्ट क्लेश तनाव दूर होते हैं, हमारी कामनाएं पूरी होती है, इसलिए सब लोग तुमको मिलना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आए, आपने हमारे दुखों का क्लेशों का निवारण किया, हमारी कामनाएं पूर्ण करने में सहयोगी बने, हमारे रोगों को कष्टों को दूर किया। हमने ये बातें दूसरों को भी बताई, अपने मित्रों को संबंधियों को, तो उन्होंने ये जाना तो उनके अंदर भी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भी ऐसे विद्वान को बुलाएंगे, उनसे शंका समाधान करेंगे, अपने कष्टों का निवारण करेंगे। तो विद्वानों को क्या करना चाहिए, क्या उपदेश है कि उनके अंदर परोपकार की वृत्ति होनी चाहिए और परोपकार की वृत्ति से युक्त होकर दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होकर वो लोगों के साथ संपर्क करें और उनके दुखों कष्टों क्लेशों को दूर करें। मंत्र के पदों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे इंद्र वायु, इंद्र शब्द विद्युत के लिए भी प्रयोग होता है, सूर्य के लिए भी प्रयोग होता है, यहाँ पर विद्युत अर्थ में लिया है और वायु पवन अर्थ में लिया है, लेकिन यहाँ ये इसके माध्यम से विद्वानों की ओर संकेत कर रहे हैं। हे इंद्र वायु अर्थात बिजली और पवन की विद्या को जानने वाले विद्वानों, तो विद्वानों को विद्युत विद्या और वायु विद्या का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है तुम्हारे लिए इमे ये सुता सिद्ध किए हुए पदार्थ हैं, बने हुए पदार्थ हैं, ये पदार्थ हमने बनाए हैं, आप आइए हमें विद्याएं दीजिए और इन पदार्थों का भोग करिए, सेवन करिए। इन विद्याओं से संबंधित हमारी कोई शंका है समस्या है, उन शंकाओं का समस्याओं का आप समाधान कीजिए।
ही जिस कारण इंदवह सोम आदि औषधियों के रस वाम तुमको चाहते हैं, अर्थात वे तुम्हारे योग्य हैं। सोम आदि औषधियों के रस तुमको चाहते हैं, मतलब इनको बनाने वाले आपको चाहते हैं। जैसे तात्स्य उपाधि से मंचाह क्रोशन्ति, मंच चिल्ला रहे हैं, मंचस्त मनुष्य चिल्ला रहे हैं। इसी प्रकार से सोम आदि औषधियों के रस आपको चाहते हैं, अर्थात इनके जो स्वामी हैं, इनको जो बनाने वाले हैं, वो आपको चाहते हैं, आपको बुलाना चाहते हैं, आपसे विद्या प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं के शंकाओं के निवारण के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। इसे प्रयोभी ही उत्तम गुण कर्म स्वभावों के सहित उनको, तो विद्वान को कैसा होना चाहिए, वो उत्तम गुण कर्म स्वभावों से युक्त भी हो। केवल विद्या से काम नहीं चलेगा, और अच्छे अच्छे उत्तम गुण कर्म स्वभाव होंगे तो वो लोगों को अधिक से अधिक प्रसन्न तृप्त कर सकेगा, सुखी कर सकेगा। उनको उप आगतम निकट से अच्छे प्रकार प्राप्त हो, तो आप हमारे समीप आकर उन भोगों को आप भोगो। तो मंत्र में विद्वानों को क्या करना चाहिए, विद्वानों के पास अनेक विद्याएं होनी चाहिए, या उपलक्षण के रूप में दो विद्याएं दी गई है ऐसा समझना चाहिए, विद्युत विद्या और वायु विद्या। और विद्वानों को अच्छे अच्छे उत्तम दिव्य गुण कर्म स्वभावों से युक्त होना चाहिए, परोपकार आदि वृत्ति, परोपकार आदि विशेषताएं उनके अंदर होनी चाहिए, और वो प्रजाओं के बीच जाएं, जो प्रजाएं, जो लोग उनको बुलाते हैं प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, वो उनके पास जाएं और उनको विद्याएं दें, उस विद्याओं से संबंधित जो उनकी शंकाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करें, उनके उस विद्या से संबंधित जो कष्ट हैं उनको दूर करें। और फिर जो पदार्थ वो उत्तम पदार्थ आपको सेवन करने के लिए देते हैं, उनका आप सेवन करें, जिससे कि वो भी प्रसन्न हों।